हरे मोरे राम दर्शनवा जीव का काल बन गयल अंधा हुए भक्त मर गईला इन सनवा रे इन सनवा रे इन सनवा नमस्ते प्रणाम। मैं सिंगर उजाला यादव आज आप लोगों के बीच में बहुत दुखद घटना जो पूरे देश को झकझोर दिया ये पाखंडियों के चक्कर में आप लोग पड़ते हैं। जो एक इंसान अपने आप को भगवान से तुलना करता है और उस इंसान उस ढोंगी के चक्कर में आज कितने लोगों की जाने गई पता है? 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कब तक ये आप लोग पाखंडी को भगवान समझेंगे? अब तो अपनी आंख को खोलिए। जो लोग हाथ रस के इस भगदड़ में मर गए मैं भगवान से विनती करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, मालिक से निवेदन करती हूँ कि भगवान अपने चरण में उच्च स्थान दे। और जो लोग घायल हैं भगवान से ही निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द वो लोग स्वस्थ हो जाए और अपने परिवार में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं। एक बात और मैं बिरहा के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे में आखिर दोषी कौन है? इस बिरहे के माध्यम से आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूं कि दोषी आखिर कौन है और दोषी को सजा क्या मिलनी चाहिए। आप लोग पूरा बिरहा सुनेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर दोषी कौन है। चार लाइन भूमिका में भाव मास्टर साहब। अरे भक्ति भावना से होती भजन भाव से, भक्ति में ना दिखावा कयस थान है, भक्ति मंदिर न मस्जिद न चर्च गुरुद्वारा, सच्चे दिल में विराजे सदा भगवान, पाठ सब कुछ पढ़ाने से क्या फायदा, पढ़ गई जब मनौता मनौता पे काला, अरे दीप इंसानियत का जला करे के देखो, कभी भैया लाल दिल से फैले उजाला। ए बाबू जरा आप लोग बात पर ध्यान दीजिए, भक्ति क्या चीज है? भक्ति दिखाने की चीज है। आपको पता है भक्ति और अंधभक्ति में कितना बड़ा अंतर है? भक्ति और अंधभक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। आप भक्ति करिए, माता पिता की भक्ति करिए, भाई बहन की भक्ति करिए, अपने परिवार की भक्ति करिए, अपने आप की भक्ति करिए, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से भक्ति करिए।
उस काम से आप भक्ति करेंगे तो आपको फल मिलेगा, मेहनत करेंगे पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार चलेगा। लेकिन अंध भक्ति करेंगे तो इससे 100% मैं आप लोगों को बिरहा के माध्यम से बता रही हूं कि अगर अंध भक्ति करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने पर भरोसा करिए, ये दिखाने की चीज नहीं है भक्ति। आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैं क्या हूं। अपने आप अपना कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन जमाना कहां जा रहा है मास्टर साहब, कहना बा अरे आज बा हसावत बहने, अरे आज बा हसावत बहने, जान कबर वाई जिनगिया हो, जिनगिया हो, मालूम ना कि कौने घाट जाई, जिनगिया हो, मालूम ना कि कौने घाट जाई, ए बाबू ए जिंदगी का कौनो भरोसा ना बा, जिंदगी पानी का बुल्ला बा। जैसे आप लोग देखल आप बारिश में बड़ा बड़ा बुल्ला निकलेला तुरंत समाप्त हो जाला, वही तरीके की जिंदगी बा। आज चलत बा, आधे रास्ते पहुंचला अब पट दे गिरबा मर जाइबा, ए लिए ए जिंदगी का कौनो भरोसा ना बा। हम आप लोगों से बताइला दिल में तमाम कचड़ा बा, चोरी हत्या पाप डेली करत हुआ, तो काई कोनो बाबा के यहाँ चल जाइबा, कोनो मंदिर में चल जाइबा, मस्जिद में चल जाइबा तो और पाप कट जाई? कभी नहीं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको भोगना पड़ेगा, भगवान भी आपको माफ नहीं कर सकते। अब आई आप लोग कहानी पर गौर करी, कहानी कहाँ से लिहल गई मास्टर साहब? भगवान के चक्कर में सदा घूमते हैं, भक्त भगवान के चक्कर में सदा घूमते हैं, ईंट पत्थर कहीं पहाड़ को भी चूमते हैं, विश्वास टूट से बाबा का बोल बाला है, विश्वास टूट से है, सफेद दिल भी काला है, धर्म की आड़ में दुकान खूब सजाए हैं, धर्म की आड़ में दुकान खूब सजाए हैं, विज्ञान के युग में अंधकार को बढ़ाए हैं, घटना भी उसी का एक हिस्सा है, हाथरस घटना भी उसी का एक हिस्सा है, सिपाही सूरज पाल के जिंदगी का किस्सा है, छोड़ी के नौकरी सत्संग खूब करता है, छोड़ी के नौकरी सत्संग
कोई दूसरों की नहीं खूब अपनी भरता है। ए बाबू आप लोग कहानी पर गौर करी है, ये बाबा रहले कहाँ का? कासगंज जिले के बहादुरपुर नगर के रहने वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू सूरज पाल। गरीब परिवार से रहला। सूरज पाल अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम करत रहलन। यूपी पुलिस के भर्ती निकलन। फार्म भरलन सूरज पाल, यूपी पुलिस में भर्ती हो गई लन। अलग अलग थाने पर जैसे हर सिपाही लोगों की ड्यूटी लगती है, उसी तरीके से कहीं 6 महीना की ड्यूटी किसी थाने पर, साल भर की ड्यूटी कहीं पर, 5 महीने की ड्यूटी। लेकिन यदा पारी सूरज पाल का ड्यूटी कहाँ लगल बा? आगरा में। अपने थाना पर तैनात हुए सूरज पाल, लेकिन वहाँ एगो घटना करत हुआ, एगो लड़की के साथ छेड़खानी कैलन। ओ लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कैके ओ लड़की का बलात्कार कैलन। जब लड़की का बलात्कार कैलन तो लड़की जा करके वही थाना में कंप्लेन लिखवाती है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है बाबू, ए मामला कोर्ट में जाता है। अब बेल पर सूरज पाल जाटव जमानत पे बाबू बाहर आ जाता है। जब जेल से बाहरे आ गयलन तो सूरज पाल जाटव सोचत हुआ कि यार मेरे हाथ से नौकरी चली गई, और जो मैं सोचा था वो पैसा इस सिपाही के नौकरी में नहीं है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत रुपया कमाना है। सूरज पाल जाटव सोचत हुआ कि आखिर हम कौन ऐसा काम करे जौने में हमके सम्मान भी मिले और बढ़िया रुपया भी मिले। दिमाग में एक बात बैठल सूरज पाल जाटव के, ये बाबा लोग जवन रंग बिरंगी चोला पहन के घूमत हो सबसे ज्यादा कमाई बा तो यही में बा। लेकिन कमाई करना है तो हर बाबा लोगों से मुझे अलग रहना है। सोचत हूँ देखा अपने मन में कि हर बाबा गेरुआधारी कपड़ा पहनते हैं, हर बाबा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखल, बड़ा बड़ा बाल रखलन, कंठी माला पहने न, चंदन टीका लगावल, लेकिन हम ही कुछ ना करबे। एकदम सिंपल में देखा जटे का काम करत हो बाबा। इ दुनिया के लोगन के ठगे का विचार सूरज पाल जाटो बना लल। सोचत हुआ कि मेरा सफेद शर्ट रहेगा, सफेद पैंट, गले में टाई, जूता मोजा घड़ी अंगूठी और एक चश्मा, बस यही मेरा पोशाक रहेगा। अब इतने सोच के सूरज पाल जाटव अले अपने घरे अपने माता पिता के अपन नाम वापस दे दलन। कहले पिताजी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरा नाम सूरज पाल जाटव रखे हैं आपसे मैं आपका नाम आपको वापस करता हूँ। आज से मेरा नाम रहेगा नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा। अब भैया भोले बाबा बन गईलन, जगह जगह प्रवचन करे लगलन, इतना मीडिया के लोग बतावत रहे, इतना तक कि नलका मास्टर साहब कई ठे गड़बौले रहे, कहा साक्षात भगवान हमसे मिलते हैं, जो इस नलके का पानी पिएगा उसका सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा और जो चाहेगा ये नलका से मांग सकता है। देखा ये ढोंगी कहे सबके अंधविश्वास में फंसा दलस, और धीरे धीरे बाबू हर जगह घूम घूम के लगले प्रवचन कहे। अब अंधविश्वास को मानने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा ओ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा के यहाँ जाए शुरू कर दल। अब देखा समय बीतल बा, धीरे धीरे समय बीतल मास्टर साहब, 2 जुलाई सन 2024 के
उत्तर प्रदेश हाथरस जिला में बाबा अपन सत्संग सुनावे शुरू कैले हमन। भक्त लोगन के भीड़ लगल बा मास्टर साहब सत्संग में प्रवचन का देत हुआ बाबा। अरे भक्ति हो भजनिया सत्संग करा, हो भजनिया सत्संग करा। अरे शाकाहारी अपनावा भैया भोजनवा, जिभिया के स्वाद में मरा जन जनवा, भक्ति हो भजनिया सत्संग सुना। गौर करेंगे बाबू नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो अपने आप को भगवान बताते थे कि मैं स्वयं भगवान हूं। सबको बता रहे हैं कि आप लोग भक्ति भजन करिए, सभी लोग शाकाहारी हो जाइए, किसी की मांस मत खाइए, मदिरा का सेवन मत करिए। प्रवचन में तमाम बात बतियावत हो, लेकिन समस्या का बा भीड़ बहुत ज्यादा बा, वहां व्यवस्था कुछ ना बा। जौने में परमिशन मिलल रहा लगभग 70-80 हजार को, जो सेवादारी है परमिशन लेकर के आते हैं कि लगभग 70-80 हजार जनता यहाँ जुटेगी, लेकिन जनता जुटल के तनी लगभग 2-2.5 लाख से ज्यादा। और वहां व्यवस्था कुछ नहीं है, वहां व्यवस्था अगर आप प्रवचन सुना रहे हैं पब्लिक को, आप प्रवचन सुना रहे हैं और पब्लिक को अंधविश्वास में झोंक रहे हैं, तो एक बार बाबा आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि पब्लिक आएगी तो उसके लिए व्यवस्था करना होगा ना। वहाँ पानी की व्यवस्था ना, वहाँ बैठने की व्यवस्था ना, वहाँ पंखे की व्यवस्था ना, वहाँ कूलर की व्यवस्था ना, भोजन की व्यवस्था। आखिर आप कैसे बाबा हैं जहाँ व्यवस्था कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिए अच्छा आसन बना हुआ है, बढ़िया सिंहासन आपका है, बढ़िया कूलर लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, मतलब आपको तकलीफ कुछ ना पड़े। लेकिन जिसको आप अंधभक्ति सिखा रहे हैं, भगवान से जिसको आप मिलवा रहे हैं, उनके बारे में तो भी आपको सोचना चाहिए। अपना काम बनता अब भाण में जाए जनता। ऐसे ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में बाबा लोग हैं। प्रवचन कह भैल, जब प्रवचन दे भैल तो प्रवचनिया में वो बात बाबा और कहला, काले मेरे चरण की धूल आप लोग माथे पर लगा लेंगे, जो मनौती मानेंगे वो आपकी पूरा हो जाएगी। जितने दुखित हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है उसको नौकरी मिल जाएगी, जो लोग परेशान हैं वो परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। है कही के बाबा चलल हुआ ये मास्टर साहब। आ जब चलल हुआ बाबा तब भयल का मास्टर साहब तर्जीय बदल गई हो। अरे चरनिया चुमाए जा, चरनिया चुमाए जा, अरे चरनिया चुमाए जा, चरनिया चुमाए जा, जाए के बखत गुरु चरनिया चुमाए जा।
बेकाबू नारी नर के धक्का में छाटा की गई बाबू जाए के बखत गुलचा रनिया चुमाए जा ए बाबू जितना अंध भक्त लोग हूं जब बाबा सिंहासन छोड़ के चले शुरू कैलन तो भक्त लोग चरनिया का धुलिया अपने मथवा पर लगावे चल रहे। अब जरा सोचिए आप लोग, धूल लगाने से आपकी बीमारी खत्म होगी? धूल लगाने से आपको नौकरी मिलेगी? धूल लगाने से आपके घर में रुपया आएगा? धूल लगाने से आप बड़मनई हो जाएगा? जरा सोचिए आप, किसी के चरण की धूल लगाने से आपकी जिंदगी बन जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितने अंध भक्त थे सब लोग उस चरनिया का धुलिया उठा उठा के माथे लगावत बा। अजय चरनिया का धुलिया ना पौलस बाबा जाए के अपने बाबा का मतलब आप लोग समझत रही, नाम इतना बड़ा उ रखले हुए कि बार बार नाम भी लेवे में सोचे के पड़ा था। बाबा का मतलब आप लोग समझत रही, भोले बाबा, नारायण साकार हरि भोले बाबा। जब जाए के अपने गाड़ी में बैठ गई ले तो है जो अंध भक्त लोगों का भीड़ लगल बा, ये लोग जाए के जौने रास्तवा से गड़िया गई बा वहां का मटिया मुठा मुठावत हो। अब कुछ इतना अंध भक्त हुआ कि जो गड़िया गईले से धुरिया उड़त वो धुलिया के मुठिया में लोग पकड़े लगल। अब वह से ज्यादा कुछ अंध भक्त ऐसा हुआ कि सुत के जी भैया से चाटे लगन। हाँ हो, कुछ लोग जमीनिया के लगल जमनिया से चाटे एकदम अमृत बरसत बा। जरा सोचिए ये अंधभक्ति। अब कुछ लोग का कहले जब बाबा भोले बाबा या के गाड़ी में बैठ गए तो लोग सोचा तुम कि हम चल के एकदम साक्षात उनकर पैरवे पकड़ ले। तो जो बाबा के साथ सुरक्षा कर्मी जो उनका पर्सनल सुरक्षा कर्मी है वो गाड़ी में से उतर करके भीड़ को काबू में करने लगे, सबको इधर उधर हटाने लगे कि बाबा के पास कोई नहीं जाएगा। भाई पब्लिक बा, पब्लिक मानत ना बा। और तब ले जाए के वो सुरक्षा कर्मी डंडा निकालते हैं गाड़ी में से। आ जब डंडा निकलना तब भीड़ एक बैग पीछे मुड़ल। आ जब भीड़ पीछे मुड़ल तो आप लोग समझ सकला जहाँ हाईवे बनल रहला तो हाईवे से जमीन जो उन खेती कर रहे ले वो नीचे रहेले, तो हाईवे 3 फीट ऊपर बा, 3 फीट नीचे जमीन बा। आ जब पब्लिक सुरक्षा कर्मी के डर से पीछे हटत बा मास्टर साहब तब का होत बा? अरे मोरे राम दर्शनवा जीव का काल बन गयल, अंधा हुए भक्त मर गईला इन सनवा रे इन सनवा रे इन सनवा। दर्शनवा जीव का काल बन गयल, अंधा हुए भक्त मर गईले इन सनवा। आज गुरु का चरण का धूल जौन बा काल बन गल। जब भीड़ पीछे मुड़ल बा मास्टर साहब भगदड़ मच गए। जब भगदड़ मचल मास्टर साहब तब का होत बा तर्ज बदल गई बा। भाव पर आप लोग गौर करी कहना बा मास्टर साहब, कीचड़ में रोपाला जैसे धान रोपी गई न इंसान,
गजानवा लागे रूठी गई न भगवान रोपी गई लई नसान गौर करेंगे बाबू क्या दृश्य था वहां का। 3 फीट ऊपर हाईवे है और 3 फीट नीचे वो खेदारी है खेत है। जब लोग सुरक्षा कर्मी के डर से पीछे घूमते हैं भगदड़ मच जाती है तो फिर होता है क्या मास्टर साहब एक बेर जे भुइया गिरल उठना ही पावल हो उठना ही पावल हो भिड़िया में गई लदाबा हो केहू के गर्दनिया पर केहू के सिरावा पर केहू के सिरावा पर लतवा परत पाया माई बेटा के खोजे बेटा माई के खोजे बेटा माई के खोजे केहू मारल केहू चिल्लाए हो बोरा के छल्ली जैसे लादै गोदामावा में लादै गोदामावा में दहिया पर दहिया ए बाबू जरा गौर करेंगे अब इंसान इंसान के ना पहचानत बा वो भगदड़ में केहू के कुछ पता ना चलत बा के हर जाई के का करी। अब वही भगदड़ में जे गिरल बाबू जमीन पर गिरले रह गए उठी ना पौलस जहां 1,00,000, 2,50,000 की भीड़ है अब उस भीड़ में अगर कोई गिर जाता है तो कैसे बच पाएगा। गर्मी काफी है कितने लोग तो उस गर्मी के उमस से मर गए कितने लोग गिर गए जो नहीं उठ पाए लोग लोगों के पैर से दब दब करके बाबू कुछ लोगों की मौत हो गई। भीड़ इतनी काफी थी जो गिरा उठ नहीं पाया कोई को कोई बचा नहीं रहा बाबू। मीडिया के माध्यम से देखने को मिला सुनने को मिला 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन उसी भीड़ में एक माँ है जो अपने 5 साल के बेटा को खोजती है और रोती है खोजती है कैसे मास्टर साहब जरा गौर करेंगे। भाव पर गौर करेंगे बाबू एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही है अपने 5 वर्ष के बेटा के भीड़ में खोजत बा चिल्ला चिल्ला के कैसे मास्टर साहब भाव बा। भेड़िया में कहावा दबाई गईला कहावा हेराई गईला फिरवा लौकत बाटा हमारे समनवा अपने बिसराई गईला कहवा हेराई गईला इरावा
हो चिल्ला चिल्ला के अपने 5 बरिस के बेटवा के खोजत अब हिन तक वो लड़का का पता ना चलल कि वो लड़का वो 2 से 2.5 लाख के भीड़ में कहाँ चले गए। अभी जियत बा कि मर गयल अभी ई पता ना चलल। मीडिया के सामने बार बार आकर के मां रो रही है, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरे बेटे को आप लोग वापस करिए, मेरे बेटे को खोजिए। वो बेटवा बाबू बेचारी को भीड़ में ना मिलल हो, जरा सोचिए वो मासूम बच्चों की क्या गलती थी जो घर से माता पिता लेकर के उस प्रवचन में गए थे। जरा गौर करेंगे बाबू, चारों तरफ मातम छूले बा, जहर देखा वहर लाश गिरल बा, जहर देखा वहर लाश ही दिखाई देत बा। ई खबर आग नियर पूरे देश में फैल गई। जितने अगल बगल के गांव के लोग थे तुरंत बाबू घटना स्थल पर पहुंचते हैं और करते हैं क्या मास्टर साहब, अरे जुट के जनता करे मदद ते छनावा मनावा रोवेला, मानवता का जागल बा पहचानावा मनावा रोवेला। उठा उठा के गांव के लोगवा सड़क पर लटावे हो, जवन मदद होत बजे से आपन वो लगावे हो। अरे घटल बा सब कर ले बालक्सी जनावा मनावा रोवेला, मानवता का जागल बा पहचानावा मनावा रोवेला। गांव के लोग घटना स्थल पर आते हैं और अपने शक्ति अनुसार वहां मदद करते हैं। जो लोग घायल हैं सबसे पहले घायल लोगों को हॉस्पिटल लोग पहुंचाते हैं, और जो मृतक हैं जो मर गए हैं, जैसे गोदाम में बाबू कोनो बोरा का छल्ली लगावल जाए वही तरीके से वही रोड पे लाश रखात बा। मृतक लोगों को लोग मिल करके बाबू पोस्टमार्टम गृह भेजवा देते हैं। और धीरे धीरे समय बीतल बा, यहाँ देखिए वहाँ अगल बगल के गांव के लोग आकर के अपने शक्ति अनुसार मदद कर रहे हैं, और वही कुछ अंधभक्त उस साबूत को मिटाना चाहते हैं। जो लोग मर गए हैं किसी की साड़ी वहां छूटी है, किसी का दुपट्टा छूटा है, किसी का चप्पल है, किसी का जूता है, किसी का झोला है, किसी का बैग है, किसी की मोबाइल छूटी है। अब जितना वो साबूत था मृतक लोगों का उसको लोग मिटाना चाहते हैं, एक गाड़ी में भरवा करके कहीं ले जा रहे हैं फेंकवाने के लिए कि यहाँ कोई मीडिया, यहाँ मीडिया के लोग आएंगे तो कोई साबूत नहीं मिलेगा। देखिए मरे तो हैं काफी लोग, लेकिन मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि 100-200 से ज्यादा, लेकिन मरे हैं काफी लोग। आप लोग समझ सकते हैं जहाँ 2.5 लाख से ज्यादा भीड़ है और उस भगदड़ में कितने लोग मर सकते हैं, जो वहां का साबूत भी लोग मिटा दिए। लेकिन होता है क्या, जरा आप लोग गौर करेंगे। विधि के विधान में इने शान का बदल है बाबू, बाटी हो विधाता काई, बाटी हो विधाता काई लाठी बरिया। के कर के जिया डाले बाबू,
बा बाबू जड़ल बघारा वादू वारसा बही के बाबू धोई गईल से नूरा हो पानिया के धार बोला के या नाथन के अब हाथवा धराई बाबू बाबू मौत निश्चित है मरना तो सबको है एक ना एक दिन सब मर जाए लेकिन ये मौत गलत है जो ढोंगी पाखंडी के चक्कर में आकर के अंधविश्वास के चक्कर में आकर के अपनी जान गंवा रहे हैं। जरा गौर करिए इस हाथरस के घटना में कितनी माताएं बहनें मर गई कितने बूढ़ जवान लोग मर गए कितने मासूम बच्चे मर गए। जरा सोचिए कुछ लोगों का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जेकर माई मर गई वो दोबारा फिर माई पाई जेकर गोद सून हो गई दोबारा अपन बेटा पाई जेकर पिता मर गईलन वो अपने पिता के दोबारा वो भक्ति से पा जाई का। जरा आप लोग सोचिए वो कौन ऐसा बाबा है जो अपने आप को बताता कि मैं भगवान से बात करता हूं मैं स्वयं भगवान हूं। अब उस बाबा को आप लोग खोजिए। मैं निवेदन करती हूं सरकार से कि आप बाबा को खोजिए और लाश को श्मशान घाट पर मत भिजवाइए उस बाबा चमड़ी चोर को वहां बैठाइए और उसके बाद उस बाबा से बोलिए कि आप जितने लोग इस हाथरस के घटना में मरे हैं सबको पहले जिंदा करिए। अगर वो ढोंगी पाखंडी वो बाबा जिंदा नहीं करता है तो मैं शासन प्रशासन से फिर निवेदन करती हूं कि आप लोग उसी लाश के सामने इतना डंडा उस ढोंगी के ऊपर इतना डंडा आप लोग बरसाइए इतना डंडा बरसाइए कि दूसरा बाबा फिर इस दुनिया में पैदा ना हो। जरा आप लोग सोचिए कितने ढोंगी पाखंडी इस देश में घूम रहे हैं जनता को अंधविश्वास में डुबा रहे हैं। मैं एक प्रकार से भी कहना चाहती हूं कि वो बाबा नहीं है वो उनकी दुकान है वो उनका बिजनेस है वो पब्लिक से पैसा लेते हैं ढोंग बना करके और वही ढोंगी उसी ढोंगी का साथ कौन देते हैं यही नेता लोग देते हैं। इसलिए नेता लोग उस ढोंगी पाखंडी का साथ देते हैं कि हमारा ही वोट बैंक है बाबा के पास वोट बैंक ज्यादा है और बाबा से एक बार बोल देंगे तो जितनी जनता यहां आई हुई है बाबा के एक बार कहने पर इस सारे लोगों का वोट मेरे झोली में आएगा। यही है बात इसी से अंधविश्वास हमारे देश में फैल रहा है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम यही हमारे देश के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं जो इन पाखंडी बाबाओं को बढ़ावा देकर के पब्लिक को काल के गाल में भेज रहे हैं। मैं आज अपने इस बिरहा के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों से एक बात कहना चाहती हूँ। वो बात कौन है मास्टर साहब बिरहा के आखिरी लाइन अरे पढ़ लिख के हो गई लाख
माध्यम से हाथ जोड़ करके यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप शिक्षित बन जाइए। जिस दिन पढ़ लिख करके आप शिक्षित बन जाएंगे उस दिन से आपके दिल और दिमाग से अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। ये जो ढोंगी पाखंडी जो दुकान लगा करके बैठे हैं इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए खास तौर से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ जो हमारी माताएं बहने हैं जो अंधविश्वास इनके अंदर तो कूट कूट करके भरा है और ये लोग किसी के बहकावा में बहुत जल्दी आ जाती कि बाबा आ गए हैं। बाबा अच्छा देखा गांव कोई बात बा, जकरे लड़का ना होई तो बाबा के हाथ दिखा देत बा, बाबा कहीं जा तोरे अगले महीना लड़का हो जाई। बाबा बोले है आश्रम पर अय्या हमरे आश्रम पर तोहरे लड़का हो जाई। जरा सोचिए पति दुबई हम, अब बाबा यार कुटिया में लड़का होखावत हम। यही तो है हमारे देश के बाबा जो अंधविश्वास में है। उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि घर पर आप देखिए आपकी सास हैं आपके ससुर हैं, आप उनको धक्का मारती हैं। ज्यादातर चंदू चाचा यह लोग जाला घरे सास ससुर के लात मार के झोला उठाई है वो प्रवचन सुने चल जाई है। अरे जरा सोचिए जरा समझिए दिमाग लगाइए, सबसे बड़ा देवता तो आपके घर में है। हमारे नौजवान भाई आप लोग भी सुनिए, सबसे बड़ा मंदिर आपके घर है। आपके माता पिता अगर जन्म नहीं दिए होते तो शायद आज समाज को नहीं देख पाते। माँ बाप की पूजा करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पूजा है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई देवी देवता है तो हमारे ही घर में हमारे माता पिता है। और शादीशुदा महिलाओं से कह रही हूँ कि आपके घर में माता पिता तो नैहर में है लेकिन आदर माता पिता सास ससुर हैं तो सबसे बड़ा मंदिर वही है, आप उनकी सेवा करिए। दुनिया में आप जहाँ जो चाहेंगी आपको सब मिल जाएगा। और ये पाखंडियों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाएंगी तो आराम होगा, अब बाबा के पास जाएंगी तो एक मुट्ठा भभूत पैबू राखी खाए के और बीमार हो जाएगी। ए लिए इस हासरस के घटना से आप लोगों को सीख लेना चाहिए कि अंधविश्वास में अब हम नहीं पड़ेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि इस हाथरस के घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी है पता है? उन अंध भक्तों की गलती है जो लोग एक चमड़ी चोर रेपिस्ट आदमी को भगवान मान करके पूज रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की है। इंसान भगवान कैसे बन सकता है? अगर ये आप लोग भगवान मानते हैं तो फिर वो घटना जब हुई तो वहां से बाबा फरार क्यों हो गए? वहां तो साक्षात खड़ा होकर के मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहिए ना। आज तक अभी तक वो बाबा का पता नहीं चला। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूं उस बाबा को आप खोजिए और उसके बाद कठोर सजा दीजिए ताकि दूसर ढोंगी इस देश में फिर पैदा ना हो। हमरे बिरहा का आखिरी लाइन बा, आवा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गणेश चंद्रिका प्यारे लाल समझावे रामदर्श यौधू दादा मुन्ना धीरज बधावे। अरे दर्शन जीव का काल बन गयल उजाला गम में डूबे डूबे भैया लाल दर।